तो आज मेरठ से प्रचार अभियान का आगाज कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेरठ के शताब्दी नगर स्थित माधव कुंज में ये परिवर्तन संकल्प रैली है। यूपी में होने वाले चुनाव के लिए मोदी की पश्चिमी यूपी में ये पहली रैली है। पीएम मोदी की सभा में मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़ और गाजियाबाद जिले के 18 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। इस रैली के बाद प्रधानमंत्री 7 फरवरी को एक और बड़ी रैली करने वाले हैं अलीगढ़ में, और इसके बाद फिर 10 फरवरी को बिजनौर में और 12 फरवरी को पीलीभीत में भी प्रधानमंत्री की रैलियां रखी गई हैं। अगर पहले फेज की बात की जाए तो पहले फेज के चुनाव को देखते हुए मेरठ की रैली को खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों तस्वीरें आपके सामने। और आज का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, यह भी आपको बता दें। दोपहर 1:15 पर पीएम मोदी दिल्ली से उड़ान भरेंगे। इसके बाद 1:50 पर मेरठ हेलीपैड पर उनका विमान लैंड करेगा। दोपहर 1:55 पर सड़क के रास्ते वो माधव कुंज की तरफ रवाना होंगे और 2 पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली स्थल पर, जहां पर तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं और उत्साह भी देखते ही बनता है वहां पर तमाम कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का। प्रधानमंत्री मोदी 3 तक रैली स्थल पर ही रहेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे और फिर 3:15 पर वो वापसी के लिए उड़ान भरेंगे। तो तैयारियां मुकम्मल हैं और जाहिर है समर्थकों का उत्साह चरम पर है, क्योंकि मेरठ पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और राहुल डबास इस समय मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका हम रुख कर ले। राहुल, सबसे पहले तो बताएं, जाहिर है ये आज से चुनाव प्रचार अभियान का आगाज होना है, नरेंद्र मोदी के जरिए आगाज होना है, मेरठ को जगह के तौर पर चुना गया है। समझ में आता है कि कार्यकर्ताओं और समर्थकों का उत्साह यहाँ देखते ही बनता होगा, लेकिन तैयारियों का दौर कहाँ तक पहुंचा है, मुकम्मल हो गया है क्या? देखिए, अगर आज की बात की जाए तो तकरीबन प्रधानमंत्री 1:15 दिल्ली से उड़ान भरेंगे और 1:50 पर मेरठ लैंड करेंगे, जिसके बाद 2 के आसपास मेरठ पर पहुंच जाएंगे और 1.25 के आसपास वो रहेंगे। यानी अगर मेरठ की बात करें तो तकरीबन 3:45 तक रहेंगे और यहाँ पर क्योंकि पहली रैली है नरेंद्र मोदी की, उम्मीद की जा रही है कि 3:00 या 2:00 1,00,000 के आसपास की भीड़ हो जाएगी। 18 विधानसभा क्षेत्र को संबोधित करेंगे, यानी कुल मिलाकर 18 उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर होंगे। अगर मुजफ्फरनगर की बात की जाए, मेरठ की बात की जाए, बागपत की बात की जाए, तो तीनों जिलों के सभी उम्मीदवार यहाँ पर होंगे और यहाँ से नरेंद्र मोदी अपने चुनाव का आगाज करेंगे और बताएंगे कि जो 16 रैलियां उन्होंने परिवर्तन यात्रा के तौर पर की थी वो कितनी सफल रही, और इस बार क्योंकि हर चरण के लिए 2 रैलियां करेंगे तो कितनी सफल रह सकती है। बिल्कुल, देखना होगा कि 2014 में जो करिश्मा नरेंद्र मोदी का नजर आया था, क्या उत्तर प्रदेश की जनता उसी तरीके से नरेंद्र मोदी को सर आंखों पर बैठाएगी। बेहद शुक्रिया राहुल जानकारी के लिए।